नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एवरग्रीन चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने पेट्रोल पंप डीलर चयन में इलेक्शन का क्या रोल है, आचार संहिता का क्या इफेक्ट है, LOI, LAC, FVC, ISD, LOA क्या होता है, CC, DC, CFS ये क्या है, ये चीज़ें, तो इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अगर कुछ कारणवश आप वो वीडियो ना देख पाए हो तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहले कि टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे अकॉर्डिंग टू साइट वाइज, लोकेशन वाइज और कैटेगरी वाइज। दूसरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा CFS साइट के बारे में, कॉर्पस फंड स्कीम साइट, जो कि एक कॉरपोरेशन ओन डीलर ऑपरेटेड साइट है। बेसिकली ये SST कैटेगरी के लिए है, जिसमें कि फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इन फॉर्म ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनिशियल वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस। तो इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम यह बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने इन चीज़ों पर सवाल किए थे। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे बेझिझक कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस की। यहाँ पे हम लोग लैंड कॉस्ट को एक तरफ रख देते हैं फिलहाल, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे जो हम लोग मॉडिफिकेशन कंस्ट्रक्शन कराएंगे उसमें कितने एक्सपेंसेस होंगे उसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। सबसे पहले बात आती है लैंड कन्वर्जन और NOC की। तो लगभग साइट को ऐसी भी हो, इसमें अराउंड 10 लाख के आसपास का खर्चा आपका रहेगा। हो सकता है रूरल साइट में कम खर्चा हो, लेकिन NOC एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। इसमें अनऑफिशियली भी काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो लगभग 10 लाख का हम यहाँ लेके चले हैं। आप चाहें तो इसमें प्लस माइनस 2-3 लाख ले सकते हैं, 2-3 लाख प्लस माइनस आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बाउंड्री और फिलिंग का। तो बाउंड्री और फिलिंग में भी लगभग सभी साइट में 8 लाख के आसपास का आप खर्चा मान के चलिए। अगर आपकी फिलिंग अच्छी खासी है ऑलरेडी ज़मीन पर, तो सकता है आपका फिलिंग का पैसा बच जाए। लेकिन दोस्तों, सबकी ज़मीन एक जैसे नहीं होती, तो कुछ वेरिएशंस होता है ज़मीन में। तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज ये 8 लाख का खर्चा आप मान के चलिए बाउंड्री प्लस फिलिंग का। बाउंड्री जो आपको कंपनी ने जो प्रिस्क्राइब कर रखा लगभग 1.5 मीटर की हाइट की, वो आपको बनानी होती है। तीसरा पॉइंट आता है जनरेटर, वाटर कूलर। इनमें भी हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 3 लाख का खर्चा आप किसी भी साइट में है तो आपका होगा। अगला पॉइंट आता है सेल्स ऑफिस, स्टोर रूम, टॉयलेट, इलेक्ट्रिक रूम, वाटर कनेक्शन, यार्ड लाइट। तो अगर आपकी DC साइट है तो लगभग 10 लाख का खर्चा आप इसमें लेके चलिए। और अगर CC या CFS साइट है आपकी, तो इसमें ये कंपनी या कॉरपोरेशन ही आपको प्रोवाइड करेगा, तो ये एडवांटेज है इन साइट के लिए। अगला पॉइंट आता है ड्राइववे प्लस कैनोपी, जिसमें कि लगभग DC साइट है आपकी तो 20 लाख का खर्चा होगा, और CC CFS साइट में ये चीज़ कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है टैंक, डिस्पेंसिंग यूनिट, साइनेज बोर्ड, ऑटोमेशन। तो ये सब चीज़ें, चाहे साइट कोई सी भी हो, इसमें कॉरपोरेशन या ऑयल मार्केटिंग कंपनी ही प्रोवाइड करती है। दोस्तों, टोटल जो खर्चा है यहाँ पे साइट वाइज DC साइट का लगभग 51 लाख के आसपास हमने एस्टिमेट किया है, वहीं CC और CFS साइट का 21 लाख के आसपास। ये टोटल एक्सपेंस डिपेंड करते हैं आपकी साइट कौन सी है, लोकेशन कौन सी है और कैटेगरी कौन सी है। तो थोड़ा सा वेरिएशन अगर आप इसमें लेके चलते हैं प्लस माइनस 2-3 लाख का, तो वो आप लेके चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए अगली स्लाइड्स को समझने के लिए आप DC साइट को 51 लाख लेके चलिए और CC या CFS साइट को 21 लाख का खर्चा लेके चलिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की। वो तो लैंड और बिल्डिंग के मॉडिफिकेशन कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस है, उसके अलावा भी आपको कुछ फीस जमा करानी पड़ती है। तो हमने यहाँ 9 से 10 कॉम्बिनेशन बनाए हैं ताकि आपको अपनी लोकेशन, साइट और कैटेगरी के हिसाब से टोटल एक्सपेंसेस का पता चल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस DC साइट में। तो पहला जो है, अगर आपकी साइट DC है और आप रेगुलर लोकेशन पे आपका पंप है और आप ओपन कैटेगरी में आते हैं, तो 51 लाख तो हम लेके चले लैंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए। 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होती है, 15 लाख फिक्स्ड फी जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल लगभग 25 लाख के आसपास चाहिए होगा। तो लगभग इसमें हमको 96 लाख का अमाउंट, ये दिखने में बहुत बड़ा लगता है दोस्तों। आप चाहे तो इसमें लोन भी ले सकते हैं जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए आपको लोन मिल जाता है, उसके लिए कंपनी एक कम्फर्ट लेटर प्रोवाइड करती है। और जो लैंड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे हमने 51 लाख बताया है, उसमें भी कुछ हद तक बैंक आपको फाइनेंस कर देता है। तो
लगभग ये अमाउंट 96 लाख के आसपास बनता है। इसमें दूसरी कैटेगरी आती है डीसी प्लस रूरल प्लस ओपन, तो इसमें भी 51 लाख टोटल अमाउंट, 4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, 5 लाख फिक्स्ड फी और वर्किंग कैपिटल 10 लाख, टोटल अमाउंट यहाँ बनता है दोस्तों 70 लाख का। तीसरी कैटेगरी हमारी आती है डीसी साइट प्लस रेगुलर साइट प्लस ओबीसी साइट, तो इसमें दोस्तों 51 लाख तो मैंने आपको बताया है डीसी में, 4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट ओबीसी कैटेगरी के लिए, 15 लाख फिक्स्ड फी क्योंकि ये रेगुलर में आता है, उसके अलावा 25 लाख वर्किंग कैपिटल, टोटल अमाउंट यह बनता है 95 लाख रुपये। अगला कॉम्बिनेशन आता है डीसी प्लस रूरल प्लस ओबीसी, 51 लाख तो मैंने आपको बताया है, प्लस 3 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, 5 लाख फिक्स्ड फी और 10 लाख वर्किंग कैपिटल, लगभग 69 लाख रुपीस। तो अमाउंट आपको देखने में काफ़ी बड़ा लगेगा क्योंकि हो सकता है आप 51 लाख जो मैंने बताया उसमें आप लोग कुछ कम कर दें उस खर्चे को आपके काम के हिसाब से, और इसके अलावा आपको लोन भी मिल जाएगा तो आपका खुद का खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस सीसी साइट का। अगर आपकी सीसी प्लस रेगुलर प्लस ओपन साइट है, ओपन कैटेगरी में है, तो 21 लाख तो मैंने आपको बताया है पिछली स्लाइड्स में, उसके अलावा 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, 30 लाख मिनिमम बिडिंग फीस, यहाँ सीसी साइट में बिडिंग होती है दोस्तों, तो मिनिमम अमाउंट 30 लाख आपको देना ही है, प्लस 25 लाख आपका वर्किंग कैपिटल, तो ये लगभग 81 लाख की गणित आपकी यहाँ बनती है सीसी साइट की इस कैटेगरी में। सीसी साइट की रूरल प्लस ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो 21 लाख तो हमारा है ही, प्लस 4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, 10 लाख मिनिमम बिड फी, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल 10 लाख का, तो टोटल मिला के 45 लाख रूरल में यहाँ पे लगेगा ओपन कैटेगरी के लिए। तीसरा बात करते हैं हम लोग सीसी प्लस रेगुलर प्लस ओबीसी, उसमें भी 21 लाख जो मैंने बताया है, प्लस 4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, 30 लाख मिनिमम बिडिंग फीस, प्लस 25 लाख वर्किंग कैपिटल, तो लगभग ये अमाउंट बनता है यहाँ पे 80 लाख का। अगली कैटेगरी आती है सीसी प्लस रूरल प्लस ओबीसी, इसमें 21 लाख जो मैंने आपको बताया है, प्लस 3 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, 10 लाख मिनिमम बिडिंग फीस और 10 लाख ही वर्किंग कैपिटल, टोटल अमाउंट यहाँ बनता है 44 लाख। तो ये 4 कॉम्बिनेशन डीसी साइड के बताया मैंने और 4 कॉम्बिनेशन सीसी साइड के, आप देख सकते हैं कि आप यहाँ किस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपको लगभग इतना खर्चा आपके दिमाग में रहना चाहिए। तीसरा जो आता है सीएफएस साइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है एसएसटी कैटेगरी के लिए क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस काफ़ी कम होते हैं। तो सबसे पहला आता है सीएफएस प्लस रेगुलर प्लस एसएसटी, यहाँ पे एक ही कैटेगरी है एसएसटी, 21 लाख तो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं, 3 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पे फिक्स्ड फी या बिडिंग फीस का कोई रोल नहीं है, इसके अलावा 25 लाख वर्किंग कैपिटल, लगभग 49 लाख रुपये। 49 लाख रुपये आप ज़्यादा लेके मत चलिए क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको लोन दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास करेगी ताकि आपके ऊपर बर्डन कम से कम पड़े, अगर आपको लोन नहीं लेना तो लगभग आप इतना एस्टिमेट लेके चलिए दोस्तों। दूसरा आता है सीएफएस प्लस रूरल प्लस एसएसटी, इसमें 21 लाख तो मैंने आपको बताया है, 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, 10 लाख वर्किंग कैपिटल, लगभग 33 लाख रुपए। यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन है उसमें भी कुछ एक्सपेंसेस के बारे में दिखा रखा है लोकेशन वाइज, तो सीएफएस में इन्होंने वर्किंग कैपिटल या डीलर जो लगाता है खर्चा उसको जीरो कर रखा है, जीरो इसलिए कर रखा है कि ताकि आप लोगों को जो कंपनी हेल्प करेगी लोन लेने के लिए उस पर्पज से इसको जीरो कर रखा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं बेनिफिट एडवांटेज और सीएफएस साइड, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि इसमें कोई फिक्स्ड फी या बिडिंग फीस सीएफएस साइड में नहीं लगती है। फिक्स्ड फी जहाँ डीसी या बी साइड में फिक्स्ड फी का अमाउंट जो होता है चूँकि नॉन रिफंडेबल होता है, रेगुलर में 15 लाख रूरल में 5 लाख रुपए होता है, वहीं सीसी साइट के लिए नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो बिडिंग फीस होती है वो रेगुलर के लिए 30 लाख रूरल 10 लाख, तो ये जो सबसे बड़ा खर्चा है ये सीएफएस साइट में बच जाता है, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। इसके अलावा और बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो एक सिक्योरिटी फीस जो लगती है सीएफएस साइट में वो इस तरह से है जो कि रिफंडेबल भी है, एसएसटी कैटेगरी के लिए 3 लाख रुपए, एसएसटी कैटेगरी के लिए होता है सीएफएस साइट तो रेगुलर साइट के लिए 3 लाख, रूरल के लिए 2 लाख। इसमें आईएसडी हमने फिर से बात करी आईएसडी की क्योंकि 10% ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जमा करानी होती है, तो वो भी लगभग 30,000 और 20,000 के आसपास ही होता है, जहां डीसी ओपन कैटेगरी में ये अमाउंट 50,000 तक पहुँच जाता है। तो आईएसडी बेसिकली यहाँ पे है इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट। आगे जो बेनिफिट की बात करेंगे कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जो कि कॉरपोरेशन या ऑयल मार्केटिंग कंपनी प्रोवाइड करती है,
वो फैसिलिटीज़ क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैंक, डिस्पेंसिंग यूनिट, साइनेज, ऑटोमेशन एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो है आपको कॉरपोरेशन ही प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट आता है सेल्स ऑफिस, स्टोर रूम, टॉयलेट, इलेक्ट्रिक रूम, वाटर कनेक्शन, यार्ड लाइटिंग, ये भी आपको कॉरपोरेशन ही प्रोवाइड करता है। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कंप्रेसर विद रिलोटेंट गोज फॉर एयर फिलिंग, इसे भी कॉरपोरेशन द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। अगला पॉइंट है ड्राइववे या इंटरलॉकिंग सिस्टम जिस पर चल के गाड़ियाँ आती है तो वो भी कॉरपोरेशन के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। अगला पॉइंट है कैनोपी, जो छत होती है पेट्रोल पंप के ऊपर, वो भी कॉरपोरेशन के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो बाकी की फैसिलिटी है वो डीलर को खुद से कराना होता है। तो वो जो खुद से कराने वाली चीज़ है यहाँ पे, सबसे पहले तो डेवलपमेंट डेवलप्ड लैंड विथ बाउंड्री ऑब्लिक कंपाउंड वॉल। दूसरा पॉइंट है जनरेटर या इन्वर्टर जो डीलर को करवाना होगा। तीसरा आता है मेंटेनेंस पार्ट, साफ पीने का पानी, मेंटेनेंस ऑफ नीट एंड क्लीन टॉयलेट, टेलीफोन एट्सेट्रा, तो ये डीलर का पार्ट है। अगला पॉइंट आता है फायर फाइटिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट्स, तो ये भी डीलर को ही इंस्टॉल करवाने होते हैं। आगे हम लोग एडवांटेज की ओर बात करते हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी बेसिकली कैंडिडेट जो लैंड प्रोवाइड करता है उस पर हर तरह की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करके उसको तैयार करती है। तो ऑयल कंपनी विल मेक अवेलेबल रेडी रिटेल आउटलेट विद रिक्वायर्ड फैसिलिटीज एट इट्स कॉस्ट ऑन द लैंड ऑफर्ड बाय द कैंडिडेट एंड प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है सेफ साइड के लोगों के लिए। ऑयल कंपनी विल ऑल्सो प्रोवाइड लोन फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड अदर इक्विपमेंट थ्रू बैंक विच विल बी रिकवर्ड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी सी एफ एस साइट के एप्लीकेंट्स को लोन दिलाने के लिए भी काफ़ी हद तक हेल्प करती है। अगला बेनिफिट है इनिशियल वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस, जो वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी चाहिए होती है तो उसके लिए भी बैंक के थ्रू ऑयल मार्केटिंग कंपनी सी एफ एस एप्लीकेंट की हेल्प करती है। वो अमाउंट इक्वलेंट होता है 7 दिन के सेल्स ऑफ ग्रोथ का, जो कि मैक्सिमम 18 के एल ऑफ एम एस और 18 के एल ऑफ एच एस टी के बराबर होता है, वो मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे 18,000 लीटर एम एस और 18,000 लीटर एच एस टी क्या है? तो एम एस जो होता है वो होता है मोटर स्प्रिट, ये बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है पेट्रोल को डिफाइन करने की, और एच एस टी जो है हाई स्पीड डीजल होता है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है डीजल को डिफाइन करने की। तो जैसे 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 आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो आप समझते जाएंगे कि ये एम एस एच एस डी होता क्या है। इनको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, इनकी रेट्स भी अलग अलग डिफाइन की जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग बेनिफिट को देखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लोन फैसिलिटी जो मिलेगी सेफ साइड वालों को पेट्रोल पंप ऑपरेट करने के लिए, तो वो SBI की MCLR, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की MCLR से मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, इतनी कॉस्ट बैंक को पड़ती है किसी को भी फाइनेंस करने के लिए, तो उससे नीचे बैंक फाइनेंस नहीं कर पाता। तो MCLR प्लस 1% इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, या फिर 11%, इन दोनों में से जो भी कम हो, या तो MCLR प्लस 1% या फिर 11%, इनमें से जो भी कम हो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लोन अमाउंट पे एप्लीकेबल रहेगा। अभी फिलहाल प्रेजेंटली SBI की जो MCLR है वो 8.55% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके लिए लगेगी आज की स्थिति देखते हुए लगभग 9.55%, क्योंकि MCLR से 1% ऊपर बैंक को लेके चलना होता है। तो जिन लोगों को ये जिन मेरे दोस्तों को 9.55% समझ नहीं आए, उनको बताना चाहूँगा कि हम 1 रुपये सैकड़ा जो इंडिकेट करते हैं दैट इज़ 12%, 1 रुपये सैकड़ा बैंक के 12% के गणित के हिसाब से होता है। तो अब जब कोई लोन हमें 9.55% पे ही मिल रहा है, तो मान के चलिए 1 रुपये सैकड़े से भी कम, लगभग 80 पैसे के आसपास हमें ये लोन अवेलेबल होगा, तो ये काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे दोस्त, अगर वो सिलेक्शन हो जाता है तो कोशिश कीजिए कि आप बैंक से लोन लेके ही आगे बढ़ें, और आपके पास अगर कोई कैपिटल है तो उसका कोई और यूटिलाइज़ कीजिए। फिर भी अगर आप, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो लोन पर विश्वास नहीं करते, तो आप अपनी कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर साल जब लोन फैसिलिटी रिन्यू होती है तो ये चेंज होता रहता है ईयरली बेसिस पे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 पैसे ऊपर 5 पैसे नीचे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पर।
आगे हम लोग बात करेंगे एक और चीज़ यहाँ पे जो रह गई थी कि पेट्रोल पम्प सेटअप करने के बाद जो एडिशनल फैसिलिटी साइट स्पेसिफिक लोकेशन होती है, जैसे स्टाफ कम चेंज रूम, सर्विस स्टेशन, रेस्ट रूम और PUC फैसिलिटी। PUC जो होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, बहुत से आजकल पेट्रोल पम्प पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो फैसिलिटी भी टाइम टू टाइम ऑयल मार्केटिंग कंपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर प्रोवाइड करती रहती है। तो दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस जो मैंने बताए हैं ये लगभग अमाउंट है, आप इसमें प्लस माइनस 4-5 लाख लेके चल सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी लैंड पर, NOC एक्सपेंसेस पर, क्वालिटी ऑफ वर्क पर, लेकिन इतना तो आप लेके चलिए आज के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से। एक्सपेंसेस और CFS साइट को लेके अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए एवरग्रीन चैनल को, ताकि आगे भी कोई वीडियो हो तो आप तक जल्दी पहुंच सके। सब्सक्राइब एवरग्रीन और रहिए एवरग्रीन। धन्यवाद।